हाय गाइस, सबसे ज्यादा इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो फिलहाल आप सामने गाड़ी देख रहे हो एमजी कॉमेट ईवी, जो कि अभी एमजी के द्वारा हाल ही में लॉन्च हुई है। एंड सबसे पहले मैं इसकी प्राइसिंग बता दूं, 7,98,000 इसकी प्राइसिंग पड़ जाती है। ऑन रोड जाओगे तो 8,40,000 के लगभग हो जाएगी, इंश्योरेंस में जाता है। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ मिलता है नहीं, ईएसबी ईबीडी सब कुछ मिल जाता है। बाकी छोटी सी गाड़ी है एकदम, लोग बाकी नैनो से कम्पीट करते हैं, मतलब ऐसा लगता है कि नैनो जैसी है, लेकिन हाँ फिर भी ठीक ठाक बना रही है। ऐसे सिटी में चलाओ तो अच्छी गाड़ी है, छोटी छोटी सी है। 12 इंच के टायर मिल जाते हैं, 145/70 R12, छोटे से टायर एकदम, मतलब पूरी गाड़ी छोटी है, टायर भी छोटे ही मिलेंगे R12 के। स्टाइल व्हील्स मिलते हैं, ऐसे व्हील कवर ना अलॉय व्हील मिलते हैं, एकदम अच्छे हैं, मतलब आप खुद सामने देख सकते हो। डायमेंशंस की बारी है तो 4 मीटर तो बहुत दूर की बात है, 3000 से भी कम mm की इसमें लेंथ मिल जाती है, 2974 की इसमें लेंथ मिलती है, विड्थ 1505, हाइट 1640, व्हील बेस मिलता है इसका 2010, एंड जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो काफी कम मिलता है, लोग बाग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जब आपकी गाड़ी जमीन पर उतरेगी, रोड पर चलेगी, जब पता चलेगा 165 mm का इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है। वैसे तो टेल लाइट की बारी तो यहाँ पे कनेक्टिंग मिल जाती है, ऊपर साइड कैमरा मिल जाता है, नीचे की आपको एलईडी मिल जाती है, यहाँ पे रिवर्स साइड भी यहाँ पे देखने को मिलती है इंडिकेटर के साथ। इंटीरियर देखो कितना प्यारा है, डुअल टोन मिल जाता है। स्टीयरिंग देखो, टू स्पोक्स में मिलता है विद माउंटेड कंट्रोल्स, 10.25 की दोनों डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती है, MID एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हैंड ब्रेक मैनुअल मिलता है। इसका गियर देखो काफी सिंपलिस्टिक सा है, राइट लेफ्ट करने का ऐसा डायल मिलेगी, नॉर्मल ड्राइव एंड रिवर्स यही मोड मिलेंगे। और अगर आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है तो इसमें पुश स्टार्ट स्टॉप बटन ऐसा कुछ नहीं आएगा, सिर्फ दो बार अपना ब्रेक पेडल दबाओ अपने आप गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप जैसी गाड़ी में एंटर करोगे, इंफोटेनमेंट एंड ये MID अपने आप ऑन हो जाएगी, बस गाड़ी स्टार्ट करने के दो बार आपको ब्रेक पेडल दबाना है। वैसे तो आपको इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स मिल जाते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट्स एंड इको। अब आपके MID में ऐसे कुछ नहीं दिखता है, इसमें आपको इस रेंज बता देगा कितनी बैटरी बची है एंड कितनी आपकी गाड़ी चल चुकी। स्टीयरिंग देखो, इसमें बीच में हॉर्न मिलता है एंड MG का लोगो काफी अच्छा सा प्यारा सा मिल जाता है बीच में। स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड MID कंट्रोल एंड राइट साइड स्टीरियो कंट्रोल मिल जाएंगे। पीछे आपको इतना कुछ स्पेस नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ठीक ठाक है। और गाड़ी के सामने साइड देखो MG का लोगो मिलता है, इसको प्रेस करोगे तो यहाँ से अपनी गाड़ी चार्ज कर सकते हो, एंड जैसे चार्जिंग पे लगाओगे तो इसका जो MG का लोगो है वो ब्लिंक करेगा, मतलब इसमें लाइट जलेगी। एंड इसकी सामने एक साइड भी आप देखो DRL मिल जाते हैं, प्रोजेक्टर एंड विद LED लाइट्स मिल जाती है। नीचे की साइड यहाँ पे इंडिकेटर, ग्रिल सिंगल ही मिलती है। अब आप बताओ कैसी गाड़ी है, मेरे को तो अच्छी लगी, वैसे प्राइसिंग के हिसाब से भी बढ़िया है गाड़ी। अब EV तो इतने प्राइसिंग में मिलेगी, इससे कम तो आ नहीं सकती, लेकिन MG ने फिर भी ठीक कराएगी, इतने प्राइसिंग में गाड़ी निकाल दी। अब बारी आती है इसकी बैटरी की, 17 kWh की इसमें बैटरी मिल जाती है, चार्जिंग टाइम लगाते 7 आवर्स, जो कि निकालते 41 BHP विद 110 Nm का टॉर्क। सीटिंग कैपेसिटी है इसकी 4, रेंज दिखा दिया 230 km तक की मैक्स इसकी रेंज है। अब हैचबैक है वैसे तो गाड़ी, छोटी सी है एकदम, मेरे को तो प्यारी सी लगी, अच्छी सी। AC इसमें मैनुअली देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको गाड़ी ऑफ करनी है तो स्टीयरिंग के नीचे एक स्विच मिलेगा, या तो आप उसको दबा के ऑफ कर सकते हो, लेकिन वो भी नहीं करना तो बाहर आके इसका डोर बंद करो, गाड़ी लॉक कर दो, अपने आप इसका इंजन ऑफ हो जाएगा, MID इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपने आप ऑफ हो जाएगी। बाकी कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एकदम मैंने छोटा सा रिव्यू बनाया, जैसे गाड़ी भी कॉम्पैक्ट सी, ऐसे मैंने कॉम्पैक्ट सा रिव्यू बना दिया। खैर छोड़ो, कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय। और ऐसी वीडियो देखने के लिए प्लीज़ नीचे वो इसलिए दे रखा है, सब्सक्राइब कर लो, बाय।